आपने कभी ना कभी अपनी जिंदगी में ट्रेन का सफर तो जरूर किया होगा, लेकिन कुछ ट्रेन का सफर सुहावना होने के साथ साथ डरावना भी होता है। कुछ सफर ऐसे होते हैं जिन्हें तय करना हर किसी के बस में नहीं होता। तो चलिए आज हम आपको ऐसी ही कुछ ट्रेन के सफर से रूबरू करवाते हैं जिन्हें देखकर आपके दिल की धड़कनें बढ़ जाएंगी। हाय दोस्तों, मैं हूँ शिवराम सिंह और आप देख रहे हैं फैक्ट फिक्शन। तो चलिए शुरू करते हैं। द म्यांमार ट्रेन। म्यांमार ट्रेन का सफर मंडाला शहर से शुरू होता है। इस दौरान रास्ता तय करते समय एक पुल पड़ता है जिसका नाम है गोयार्ड वर्डेक रेलवे ब्रिज। इसकी लंबाई की बात करें तो जमीन से इसकी ऊंचाई तकरीबन 335 फीट है। इसे 1900 में बनाया गया था। कहते हैं जब इस पुल से ट्रेन गुजरती है तो लोगों की सांसें थम जाती हैं, क्योंकि इतनी ऊंचाई से देखने पर नजारा बहुत ही डरावना लगता है। इस दौरान हवा की चाल तेज हो जाती है और ट्रेन का रुख भी बदला बदला लगने लगता है। जानकर हैरानी होगी कि इस खतरनाक नजारे को देखने के लिए लोग दूर दराज से भी आते हैं। अल्बुला रेलवे, स्विट्जरलैंड। अल्बुला रेलवे की बात करें तो इसका ट्रैक पहाड़ों के बीच में से बनाया गया है। इस ट्रैक के दोनों ओर ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, जिनका नजारा देखने में बेहद ही खूबसूरत लगता है। चारों तरफ हरियाली, बड़े बड़े पहाड़ और उन पर फैली कोहरे की हल्की चादर। इसे देख ऐसा लगता है मानो इस जगह को कितनी फुर्सत से बनाया गया है। हरी वादियों से भरी ये जगह किसी स्वर्ग से कम नहीं लगती। वहीं इस ट्रेन के रास्ते में एक और खूबसूरत नजारा देखने को मिलता है जिसे इंसान ने बनाया है। हम बात कर रहे हैं लैंड वेजर पुल की। इस पुल की ऊंचाई जमीन से तकरीबन 213 फीट है। इसे बड़े बड़े पहाड़ों को काट कर बनाया गया है। इसे देख ऐसा लगता है कि मानो यहाँ से ट्रेन पहाड़ों को चीरते हुए निकल रही है, लेकिन जब यहाँ से ट्रेन गुजरती है तो उसमें अचानक से अंधेरा हो जाता है और बाहर का सीन देखने पर लोगों में एक खौफ पैदा हो जाता है। डेविल्स नोज ट्रेन, इक्वाडोर। अगर आप खतरनाक रास्तों पर घूमने का शौक रखते हैं तो इस सफर का मजा ले सकते हैं। इसके ट्रैक की बात करें तो ये पहाड़ों को काटकर सीढ़ीनुमा तरीके से बनाई गई है जो देखने में जिगजैग लगती है, जो कभी पहाड़ों पर चढ़ जाती है तो कभी पहाड़ से उतर जाती है। अगर हम उस पर चल रहे हैं तो हमें गिरने का डर बना रहता है। वहीं जब वो पहाड़ों से नीचे उतरती है तो मन में ख्याल आता है कि कहीं हम पहाड़ के नीचे दब न जाएं। ट्रेन के चलते समय का नजारा ऐसा लगता है मानो हमारे सामने कोई वीडियो गेम चल रहा हो। इस दौरान एक तरफ बड़े बड़े पहाड़ पड़ते हैं तो दूसरी तरफ तेजी से बहती हवा। ऐसा लगता है मानो हम हवा में उड़ रहे हों, क्योंकि ये है ही इतनी ऊंचाई पर। इस ट्रेन के रास्ते में आने वाले मोड़ बड़े खतरनाक हैं। जब ये ट्रेन मोड़ लेती है तो लगता है कि ट्रेन पटरी से उतरने ही वाली है। सोचिए अगर ये पटरी से उतर जाए तो क्या होगा। व्हाइट पास एंड युकान रूट, अलास्का। ये रेलवे ट्रैक 175 किलोमीटर दूर अमेरिका से कनाडा को जोड़ने का काम करता है, जो अलास्का के खतरनाक इलाके से गुजरता है। सफेद बर्फ से ढके ऊंचे ऊंचे पहाड़ देखने में जितने खूबसूरत लगते हैं उतना ही खतरनाक होता है उनका सफर। जहां तक हम सभी जानते हैं कि ट्रेन को बनाने में लोहे का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन ये ट्रेन आम ट्रेनों के मुकाबले कुछ अलग है। कहते हैं कि इस ट्रेन का कुछ हिस्सा आज भी लकड़ी का है। जब ट्रेन किसी पहाड़ के पास बनी खाई से गुजरती है तो ट्रेन में सफर करने वाले यात्रियों की रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो चट्टाने हैं उनकी ऊंचाइयाँ 3000 फीट से भी ज्यादा हैं। वहीं सर्दी की बात करें तो उन दिनों यहाँ का मौसम बहुत सर्द हो जाता है, क्योंकि उस समय तेज हवा और पहाड़ों पर जमी बर्फ शरीर को जमा देती है। कोहरा इतना घना होता है कि इंजन के कांच पर जम जाता है, जिससे ट्रेन के पटरी से उतरने का डर बना रहता है। पीट ट्रेन, जर्मनी। आम ट्रेनों की पटरी से कुछ अलग है पीट ट्रेन की पटरी। इस ट्रेन में सवारी करने पर आपको ऐसा लगेगा कि मानो आप ऊंट की सवारी कर रहे हो, क्योंकि ये पटरी एकदम टेढ़ी मेढ़ी है। इसी वजह से ट्रेन को धीरे धीरे चलाना पड़ता है। दूर से देखने पर ऐसा लगता है कि मानो ट्रेन डांस कर रही है और कहीं गिर ना जाए। हालांकि ये ट्रेन आम लोगों के लिए नहीं है, क्योंकि इसे कंस्ट्रक्शन के काम के लिए बनाया गया है। इसकी पटरी की एक खासियत ये भी है कि इसे जल्दी बनाया जा सकता है, क्योंकि ये टेम्पररी होती है। तो दोस्तों, है ना कितना मजेदार सफर। कम से कम आपको एक बार इन ट्रेनों का सफर जरूर करना चाहिए। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार दोस्तों।